जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने दो बदमाशों को पकड़ा जिनके कब्जे से मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए। दिल्ली में आए दिन चोरी की घटना सामने आती है। ऐसे ही मामले में दिल्ली पुलिस की विशेष स्टाफ टीम ने नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में छापेमारी कर दो चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों का नाम आफसान और अरशद है। दोनों की उम्र 21 और 23 वर्ष बताई गई है। दोनों गाजियाबाद के लक्ष्मी गार्डन इंदिरापुर के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार 20 अक्टूबर को विशेष स्टाफ के एसआई विनीत कुमार को एक गुप्त सूचना मिली कि अफसान और अरशद चोरी और छीना झपटी के मामलों में शामिल है और उनके पास से अवैध हथियार भी है। सूचना मिली थी कि दोनों शाम के समय बोंटा पार्क दिल्ली में एक मोटरसाइकिल पर आएंगे, जिसके बाद एसआई विनीत कुमार के नेतृत्व में विशेष स्टाफ की एक टीम का गठन किया गया। टीम में एएसआई राजीव कुमार, एएसआई यशपाल, एएसआई हरफुल और एचसी आकाश शामिल थे। टीम ने इंस्पेक्टर राज के मलिक और प्रशांत कुमार, एसीपी सराय रोहिल्ला नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के मार्गदर्शन में कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों चोर पकड़े गए। दोनों के खिलाफ पीएस मॉरिस नगर में मामला दर्ज किया गया है और विशेष स्टाफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के एचसी प्रवीण द्वारा जाँच शुरू की गई है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।